जनसंघ से लेकर आरएसएस तक हमेशा लोगों की नजर में उनकी कार्यप्रणाली खटकती रही है। पहले सबने मिलकर जनसंघ को प्रतिबंधित कराया था और अब बारी है आरएसएस की। दरअसल मुरादाबाद में माता सावित्री बाई फुले महिला ब्रिगेड ने महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचारों के लिए भगवादारी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने भगवादारियों को आतंकवादियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। बात इस संगठन की नहीं है बल्कि इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो जनसंघ के साथ भी इसी तरीके से बैन लगवाया गया था। अब भगवादारियों को इस पर गौर करना होगा। जी क्या नाम है आपका? निर्देश सिंह। निर्देश किस चीज को लेकर आप? 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव पुणे में शौर्य दिवस मना रहे बहुजनों पर कुछ भगवाधारी आतंकियों ने पत्थरबाजी की, मारा, गाड़ियों में आग लगाई, लोगों को डंडों से मारा पीटा, जिसके विरोध में आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी के लिए डीएम मुरादाबाद के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। जो माता सावित्रीबाई फुले महिला ब्रिगेड के तत्वावधान में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें दलित मुस्लिम एकता को दर्शाते हुए हमारे साथ मुस्लिम भाई आए हुए हैं और भीम आर्मी की पूरी टीम यहाँ पर है, जिसमें कि आज हम लोग 2 बजे डीएम साहब से मिलकर के इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करके ज्ञापन सौंपेंगे। क्या ये प्रदर्शन आपका किसी पार्टी के खिलाफ है? कैसे? नहीं, ये पार्टी के खिलाफ नहीं, ये विचारधारा के खिलाफ है। उस विचारधारा के खिलाफ जो इस देश के 85% लोगों के खिलाफ काम करती है, जो इस देश के बहुजन, दलित, पिछड़े, शोषित, दबे कुचले वर्ग को दबाने का काम करती है, उस मनुवादी, उस कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन समय समय पर करते रहते हैं और करते रहेंगे। भारत जब तक आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता, विकसित नहीं हो सकता, जब तक के इस देश के बहुजनों को मुख्य धारा में लाने का काम नहीं किया जाए। अभी आपने अपने विचार हमसे विमर्श करते हुए आपने बताया कि भगवा आतंकवादी। हाँ, तो क्या भगवा कलर को आतंकवादी से जोड़ रहे हैं? यस, क्यों? क्योंकि ऊना कांड हुआ, भगवा आतंकवादियों ने किया। सहारनपुर कांड हुआ, भगवा आतंकवादियों ने किया। जो रोहित बेमुला के साथ हुआ वो भगवा आतंकवादियों ने किया और अब भीमा कोरे गांव में ये भगवा आतंकवादियों ने किया। ये भगवा आतंकवादी इसलिए क्योंकि ये संविधान के विरोध काम करते हैं, इसलिए इनको आतंकवादी घोषित किया जाए। और अन्य देशों ने भी आरएसएस को भगवा आतंकी और देशद्रोही संगठन बताया हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ है। तो ये पार्टी के खिलाफ है या संघ के खिलाफ है? ये विचारधारा के खिलाफ है, न पार्टी के न संघ के। वो अच्छे विचारों से काम करें, देश का भला करें, गरीब तबके को अपना भाई अपना बहन समझ करके उनको साथ लेकर उस समाज को, मुस्लिम समुदाय को सम्मान दे, रेस्पेक्ट दे, तो हम उनके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में, विकसित होने में उनके साथ देंगे।